कर रही हूँ, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। One sided crusade, रिसर्च नहीं होती। पूरी फिल्म जो है इट्स एक हमारे बड़े सीरियस इशू पे है, चाइल्ड लेबर के ऊपर है, लेकिन फिल्म को काफ़ी बड़ा बनाया गया है। 15 से 20 कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म के अंदर, काफ़ी बड़ी कास्ट भी है। ये सब तो मोरे हैं, असल साजिश तो किसी और की है। मैं सुल्तान साहब का, मुझे फ़ोन आया था जो हमारे डायरेक्टर हैं, उन्होंने कहा था कि जी मैंने इससे पहले एक नन्ही मुन्नी सी कोई एक दो चीज़ें की हुई हैं। मुझे था अच्छा पता नहीं कोई फिल्म स्टूडेंट वगैरह टाइप का ना हो, पर मगर पता लगा कि नहीं, वो तो पूरा पाई है बाल भी चिट्टे हैं। तो जब उन्होंने मुझे स्टोरी एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा कि जी इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप ये प्ले करें। तो आई वाज लाइक व्हाई नॉट, मुझे ये नहीं मैटर करता कि रोल कितना बड़ा, मुझे ये मैटर करता है कि उसकी स्टोरी में कितनी है गुंजाइश। ये है कि मैं आपका नौकर हूँ, बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है उस जो पूरी गुंजल का ट्रैक चल रहा है उसके अंदर, उसका मोटिव जो है वो बड़ा अनक्लियर है। Why is he doing those things? मुझे काफ़ी मज़ा आया। मुझे ये मालूम है कि कातिल को ढूंढने से पहले मोटिव का ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। दिस इज़ माई वेरी फर्स्ट फीचर फिल्म। मेरा थिएटर का बैकग्राउंड है, अजोका थिएटर का नाम सुना होगा, यकीनन लाहौर में बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान का मतलब एक बहुत बड़ा नाम है। तो उनके साथ मैं एसोसिएट रहा, बहुत उनसे सीखा, काम किया। हमेशा कमज़ोरों का साथ। रेशम के साथ मैं एक्चुअली पहले एक शॉर्ट फिल्म कर चुका था लॉन्ग डिस्टेंस के नाम से, वो मैं राना और रेशम थे, उसमें सी प्राइम पर आई थी, और मेरा एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था। और जब ये किरदार लिखा जा रहा था तो समहाउ मुझे लगता था कि इट्स अ वेरी पावरफुल रोल, इट्स अ वेरी पावरफुल डोमिनेटिंग वुमेन जो कि अखबार को चलाती हैं, रन करती हैं, सरबत उनका नाम है, और बहुत उनका एक एंगेजिंग रिलेशनशिप है शहबाज भट्टी जो किरदार प्ले कर रहे हैं, अहमद अली। सवाल ये है कि सच क्या है? मैं ये नहीं कहूँगा कि ये कोई आर्ट हाउस है या पैरेलल सिनेमा है, नहीं, अब लाइंस ब्लर हो चुकी हैं। अब जो हमारी ऑडियंस है वो भी बहुत इंटेलिजेंट है और उनके पास सब मीडियम्स हैं देखने के लिए। तो ये फिल्म भी मुझे लगता है कि एक वो उस तरह की फिल्म है जिसमें एंटरटेनमेंट उतनी ही है जितनी कि किसी और फिल्म में होती है, बल्कि उसका स्टाइल एंटरटेनमेंट का डिफरेंट है, क्योंकि उसका नरेटिव स्टाइल डिफरेंट है, उसका कहानी को सुनाने का अंदाज फ़र्क है, उसमें हम कुछ मैसेज भी दे रहे हैं बट इन ए वेरी कमर्शियल वे। सब पैसे की गेम है, डॉलर आते हैं डेढ़ डेढ़। एक लड़ाई है अपने आप से मेहर के अंदर, तो मेहर का कैरेक्टर काफी कॉम्प्लेक्स और काफी लेयर्ड है।